नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टाम्प विथ प्रोफेसर में। तो आज मैं जो वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसका एक रिव्यू देने वाला हूँ, छोटा सा, एक छोटा ही वीडियो होगा। और एक जो हुआ था श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था उसका भी एक रिव्यू इस जो वीडियो में फुल कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेज जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। वो जो मैच हुआ था वहाँ पे मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश से होगा नहीं, क्योंकि उनका जो मेन प्लेयर है शकीबुल हसन थे नहीं। वो दोपहर का जो मैच हुआ था उसमें अगर आप टॉस जीते हो तो दोपहर के मैच में कुछ ड्यू फैक्टर का जो सुविधा है, जो ड्यू फैक्टर का जो एक एडवांटेज है वो आप ले नहीं सकते कि पहले बल्लेबाजी करने को भेज दो या पहले बॉलिंग करके कुछ भी कमा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। और बढ़िया तरीके से उन्होंने जो पहले जो बल्लेबाजी कर रहे थे ना, तो ठीक से बल्लेबाजी हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बढ़िया तरीके से हर एक ओवर में एक विकेट, ऐसा विकेट गिर रहा था उनका। कुछ टाइम तो ठीक था, जैसे नेम जो बढ़िया तरीके से रन बना रहे थे, उसके बाद शमीम हुसैन पहला विकेट उनका गया, उसके बाद जो भी प्लेयर है लिटन दास 0 रन में आउट हो गए थे, तो सोहन आए उन्होंने भी कुछ कर नहीं पाया। सोहन और सरकार 5 रन बनाए थे, मुशफिकुर रहीम 1 रन बनाए थे, जंपा के गेम में आउट है, जंपा 5 विकेट लिए 19 रन देके बढ़िया बॉलिंग की। उनका जो हेजलवुड को अगर देखे, हेजलवुड भी बढ़िया तरीके से गेम डाल रहा था। तस्कीम नामेद 6 रन बनाए 11 गेम में, मुस्तफिजुर जो रहमान थे उन्होंने 4 रन बनाए, शफिकुल इस्लाम 0 बनाए, डक में आउट हुए 2 रन बना के, तस्कीन अहमद 1 रन बनाए, शरीफुल इस्लाम जो खेल रहे थे लेफ्ट हैंडर बॉलर उन्होंने 1 रन बनाया। देखिए ऐसे एक मैच नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे ठीक है, आप थोड़ा सा कम है आपका टीम में वो पावर नहीं है ठीक है, लेकिन 120 गेम आपको मिले, 120 गेम में आपको ऐसा खेल खेलना होगा ठीक है। 130 140 में ये टीम पहुंच सकती है। बांग्लादेश की टीम में जो फाइटिंग है ना वो फाइटिंग नहीं दिखी, ये बात तो सही है। जो फाइटिंग उनका बॉलिंग में भी उतना धार नहीं था ठीक है, 78 रन अब अगर बना भी लिए हैं तो ऐसा बॉलिंग करना चाहिए जो उनको रोक सके, उनको उन्होंने रोक ही नहीं पाया। बढ़िया तरीके से उन्होंने मैच जीत लिया। अगर आप देखे तो एरन फिंच 20 गेम में 40 बना दिए अकेला 200 की स्ट्राइक से, उसके बाद मिचेल मार्श 16 बनाए 320 का स्ट्राइक रेट से, और वहां पे मिचेल मार्श और तस्कीन अहमद मुस्तफिजुर एक एक करके विकेट लिए थे। और वहां पे हम अगर देखें तो 2 ही प्लेयर उनके आउट हुए, 78 रन सिर्फ 6.3 ओवर में उन्होंने उठा लिए, तो इसके चलते उनका नेट रन रेट भी बढ़िया रहा। और अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ये टीम के अंदर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है और बढ़िया तरीके से खेला भी। फिंच वार्नर भी 18 रन बनाए बढ़िया तरीके से, और ये जो मैच था ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गया, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं था, कोई भी जो एक खेलने के लिए जो एक प्रॉब्लम होता है क्या थोड़ा रन लेने में दिक्कत होता है, ये कुछ भी नहीं हुआ और एकदम शेर की तरह उन्होंने खेले। और अगर हम बात करें तो बॉलिंग अटैक एकदम ठीक नहीं था, उनका जो बॉलिंग स्टाइल भी ठीक नहीं था। कुछ स्पिनर को या ट्राई कर सकते हैं, मेहदी हसन को पहले ले आ सकते हैं, ये बात मुझे लगता है, क्योंकि वो जो है स्पिन में थोड़ा सा फंस सकते थे, फिंच को फंसा सकते थे, डेविड वार्नर थे उसको फंसा सकते थे। हम देखे थे मेहदी हसन गेल या पुरान के खिलाफ बढ़िया तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, पर ये जो बात है ये डिसीजन भी ठीक नहीं था, उनका जो खेलने का अंदाज भी ठीक नहीं था। महमूदुल्ला वो एक कैप्टन है, उनको एक कप्तानी नॉक खेलना बहुत ही जरूरी था, ये ठीक से खेल हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। अब फाइटिंग करो, अब 5 में 5 ही हार गए हैं, बांग्लादेश 5 में 5 हार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ये बढ़िया तरीके से जीत के सेमीफाइनल के एकदम स्टेप एक रख चुका है। अब साउथ अफ्रीका के को जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा मुझे लगता है डाउन हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बढ़िया तरीके से कमबैक करके उनके रेट रन रेट को बढ़िया ऊपर कर लिया है, तो साउथ अफ्रीका अब 3rd पोजीशन पे है। अगर साउथ अफ्रीका को भी नेक्स्ट मैच जीतना होगा वो भी बढ़िया एक जो व्यवधान होगा जो रन का या ज्यादा ओवर रखे उनको जीतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर जीते तो ऑस्ट्रेलिया को भी कम रन पे अगर जीतना पड़ेगा तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकता है, नहीं तो साउथ अफ्रीका का चांस कम हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाए तो साउथ अफ्रीका को जीतना पड़ेगा और साउथ अफ्रीका आराम से क्वालिफाई कर सकते है। और अगर आप देखें इंग्लैंड तो कर ही चुके हैं क्वालिफाई। तो और एक जो खेल हुआ था सेकंड में श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का, इसमें अगर आप देखें वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, श्रीलंका ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी का फैसला लेके इतना अच्छा बल्लेबाजी किया ना, बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी किया। इनका जो बॉलर है जो निशंका है, उनके बाद असलंका है, कुशल पेरेरा अनुभवी खिलाड़ी है, पर
रन आ रहा है, पर ये तरीके से कंटिन्यू बल्ला चलाते रहे, 3 50 मार चुके हैं। पुषम निशंक हम जिसके बात कर रहे हैं, असलम का भी बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी किया, एक रन को ना एक जगह दिया, इतना रन हमें 189 रन 3 विकेट के उनका सिर्फ गिरावट हुई और बना दिया। रोबी रंपल 2 विकेट लिए, बहुत अनुभवी गेंदबाज है लेकिन बहुत फीके दिखे, उन्होंने लास्ट में विकेट लिए। और अगर आप देखें ब्रावो के, ब्रावो पहले 1 विकेट लिए थे, ब्रावो नहीं रसेल एक कैच लिया था बढ़िया तरीके से, तो अगर आप देखें तो वैसा हुआ नहीं जैसे होना चाहिए था, बढ़िया खेल होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ फाइट हम देखे नहीं। श्रीलंका तो मुझे लगता है नहीं क्वालिफाई कर सकते क्योंकि उनका जो पॉइंट टेबल में बहुत नीचे है और उनका जीतने का उतना चांस भी, और अगर ये बात की मैच जीत भी जाए तो ऊपर का जो टीम है उसको पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो 4-4 करके जीत चुके हैं। तो आप जो बारी है जब सेकंड में बैट करते हैं वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज ने आके ही विकेट जल्दी गंवाने बैठे, इतना जल्दी, अगर इतना अनुभवी प्लेयर क्रिस गेल पहले आ रहे, एविल लुइस आ रहे, इन्होंने आके क्या हो रहा है। तो खेल को तो आपको आगे लेना जाना पड़ेगा, अगर आगे भी आप इनिंग्स बिल्ड करने के पहले अगर ऐसे विकेट गिर जाए तो क्या करे। रसेल का बल्ले में रन नहीं है, पोलार्ड भी 0, एक डिपेंडेबल चैंपियन है, आपको सब बोल रहा है कि आप के पास एक डिपेंडेबल चैंपियन है, तो डिपेंडिंग चैंपियन की तरह तो ये टीम खेले ही नहीं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी आशा था कि वेस्ट इंडीज को एक टक्कर होगी, वेस्ट इंडीज को हराना बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन वो हुआ नहीं। बढ़िया तरीके से ये जो खेल है श्रीलंका ने जीत लिया है। और वहां पे एक अच्छा चीज हुआ है कि सिमरन हेटमायर फॉर्म में आए हैं, 86 रन बनाए हैं। वहां पे अगर निकोलस पुरान को भी देखे वो भी थोड़ा रन पाए, निकोलस पुरान अच्छा बल्लेबाज भी है, जो और जो स्पेशलिस्ट है और जो लेजेंड है वेस्ट इंडीज के, जैसे ब्रायन लारा हो, माइकल होल्डिंग हो, सभी कहते थे कि ये बढ़िया प्लेयर है और बढ़िया तरीके से उनको खेल भी उन्होंने खेल रहे हैं, लेकिन उनको रन में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक से खेलना पड़ेगा, इनिंग्स को बिल्डअप करना पड़ेगा, ये तो हाथ में शॉट तो बढ़िया ही है। तो यही था आज का जो रिव्यू, ये 2 मैच पिछले हुआ था। तो प्लीज आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज कमेंट करो, जो भी आपको न्यूज चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी कोई क्वेश्चन है मुझको भेजिए, मैं यथाजथ उत्तर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।